अब यूपी के राह पर सासाराम पुलिस, अग्निपथ के विरोध में तोड़फोड़ आगजनी करने वालों को लगाया पोस्टर, लिखा वाटे। खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां अग्निपथ योजना के विरोध में लगभग डेढ़ माह पूर्व सासाराम शहर में तोड़फोड़ आगजनी व हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने वाले उपद्रवियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। पुलिस गिरफ्त से बाहर चिन्हित उपद्रवियों का फोटो युक्त पोस्टर करहगर रोड मोड़ समेत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाए गए। साथ ही पुलिस ने आमजनों से भी उपद्रवियों की गिरफ्तारी में सहयोग करने की अपील। पोस्टर में कुछ युवा लाठी डंडे के साथ भी दिख रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है वांटेड एवं सासाराम नगर थाना का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। सासाराम नगर थाना अध्यक्ष एसके सिन्हा ने बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में डेढ़ माह पूर्व 17 जून को शहर के विभिन्न स्थानों पर हुई तोड़फोड़ आगजनी व हिंसा की घटनाओं में शामिल उपद्रवियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस कटिबद्ध है। इस मामले में 48 नामजद समेत 500 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें से पुलिस नामजद 48 उपद्रवियों को शहर के राजपूत कॉलोनी मोहल्ला स्थित एक लाश से छापेमारी कर गिरफ्तार की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।